मशीन है, ग्राइंड करने के बाद ऑटोमेटिक न्यूमेटिक लिफ्ट की मदद से ये माल को साइक्लोन में ले जाता है। जितना भी डस्ट उस ग्राइंडिंग में आता है, ये डस्ट, ये हमारा डीलक्स सीरीज का स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन है जो कि ब्लोअर सिस्टम के साथ आता है, साइक्लोन, एयर लॉक और ग्रेडिंग सिस्टम के साथ। अहमद एसोसिएट प्लांटेड प्रोजेक्ट्स के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज जिस वीडियो के लिए हम यहाँ पे आए हैं, आज जिस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ये स्पाइस मिल की इंडस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिससे हमारे कई हजार ग्राहकों को आज तक फायदा पहुंचा है और वो एक अच्छा व्यवसाय कर पा रहे हैं। यदि आप भी मसाले का उद्योग लगाना चाहते हैं और स्पाइस ग्राइंडिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए मशीन्स ढूंढ रहे हैं तो अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स आकर आप ये मशीनें ले सकते हैं। यहाँ पे लाइव इन मशीनों का डिस्प्ले आप देख सकते हैं, किस तरीके से ये काम करती है, इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ किस तरीके की ये स्पाइस मिल की मशीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक ही मशीन से अनेक तरीके के स्पाइसेस किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसी ये स्पाइस मिल की मशीन है। आप अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स के फरीदपुर स्थित कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियल पार्क के वेयरहाउस में हैं, जहां पे हम आपको इन सभी मशीनों की प्रदर्शनी दिखाते हैं। यहां पे आप आके सारी मशीन्स लाइव देख सकते हैं, सभी तरीके के मॉडल्स को यहाँ पे पा सकते हैं और इनको आसानी से खरीद के ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, ये जिस मशीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा डीलक्स सीरीज का स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन है जो कि ब्लोअर सिस्टम के साथ आता है, साइक्लोन, एयर लॉक और ग्रेडिंग सिस्टम के साथ हम आपको ये देते हैं। तो इस मशीन में देखते हैं ग्राइंडिंग कैसे होती है। ये 5 हॉर्स पावर का आपका ग्राइंडर है। इस ग्राइंडर से आप किसी भी तरीके का मसाला जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा या आप काला पेपर करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का गरम मसाला करना चाहते हैं, सभी चीज आप इस मशीन से ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है, ग्राइंड करने के बाद ऑटोमेटिक न्यूमेटिक लिफ्ट की मदद से ये माल को साइक्लोन में ले जाता है। जितना भी डस्ट उस ग्राइंडिंग में आता है, ये डस्ट कलेक्टर आपका वो चीज़ यहाँ इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद मटेरियल जो एयर लॉक में आता है, जितना भी ब्लोअर की हवा होती है उसको शांत करता है। उसके बाद ये इस छन्ने पे माल गिर जाता है। तो यदि आप मिर्च ग्राइंड कर रहे हैं, हल्दी ग्राइंड कर रहे हैं या धनिया ग्राइंड कर रहे हैं, सभी तरीके के आइटम्स यहाँ पे गिरेंगे। इस मैश को आप चेंज कर सकते हैं, इसको हम मैश बोलते हैं। इस जाली को कितना बारीक और कितना मोटा रखना है ये आपके हाथ में है। हम आपको ये एक रिमूवेबल जाली सिस्टम देते हैं, इसमें आप इस जाली को अलग अलग तरीके के फ्रेम्स लेके बदल सकते हैं। जैसे हमने अभी जो जाली इसमें लगाई हुई है, ये 50 मैश की जाली है जो कि हल्दी की छनाई में काम आती है। हल्दी क्योंकि मार्केट में काफ़ी बारीक पाउडर बिकता है, तो उस वजह से इसकी जाली हम वैसे ही चेंज करते हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही आसान इस्तेमाल है इस मशीन का। 8x4 फीट की जगह में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हाइट आपको 8.5 फुट चाहिए। एक ही मशीन से आप पिसाई और छनाई अपने प्रोडक्ट की कर सकते हैं। छनाई क्यों जरूरी है ये भी बता देता हूं। कभी भी आपने किसी भी तरीके का पैकेज स्पाइस का प्रोडक्ट आपने यूज किया हो तो आप देखेंगे कि उसका पाउडर फ्री फ्लोइंग, उसका पाउडर एक समान रहता है, मतलब यूनिफॉर्मिटी रहती है। माल में कोई मोटा या बारीक कण नहीं होता, सब एक समान रहता है। तो माल जब एक समान होता है तभी उसकी क्वालिटी ग्राहक परखता है, आपके लिए वो बेहतर माना जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, आपको माल पिसाई के बाद एक ही बार में छनाई करके देता है, मोटा माल अलग देता है और बारीक और फाइनल आउटपुट आपको अलग देता है। आप इसकी डायरेक्ट पैकेजिंग कर सकते हैं यहाँ से, या ड्रम में कलेक्ट करके अपने मिनिएचर पैकिंग मशीन के साथ कर सकते हैं। हमारे पास आपको छोटी से लेकर बड़ी तक सभी तरीके की पैकेजिंग मशीन्स मिलेंगी। कैपेसिटी की बात कर ले मशीन की, जैसे आपने मेरे पीछे जो मशीन देखी, ये 5 हॉर्स पावर की मशीन है। 5 हॉर्स पावर तो इसका ग्राइंडर में लगता है, 1 हॉर्स पावर से ये इंटायर ब्लोअर सिस्टम और ग्रेडर सिस्टम चलता है।
टोटल 6 हॉर्स पावर में आप 70 से 80 किलो प्रति घंटा मसाले की पिसाई कर सकते हैं। इस बात पे आप ध्यान दें कि हर आइटम जो भी मसाले का है, हर आइटम की कैपेसिटी अलग होती है, चाहे वो हल्दी हो, मिर्च हो, धनिया हो, उसकी पिसाई की क्षमता हर बार हर चीज़ की अलग होती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके हमारे लघु उद्योग सहायकों से बात कर सकते हैं, वो आपको इसकी सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप कोई एक तरीके का स्पाइस को ग्राइंड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्पेशल सोल्यूशन ले सकते हैं। यदि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके की मशीन में जा सकते हैं। अगर आप इसमें विदाउट ग्रेडर भी मशीन लेना चाहते हैं तो हमारे पास स्पाइस ब्लोअर्स 3 HP से लेके 100 HP तक अवेलेबल होते हैं। जो ये शिफ्टिंग वाला मॉडल है ये 5 HP से 20 HP तक ही आता है। तो दोस्तों, अगर आपका प्लान बन रहा है मसाले के उद्योग में उतरने का तो इस तरीके की मशीन्स रामबाण हैं। आपको एक ही बार में बेहतर प्रोडक्ट हर बार नॉन स्टॉप कंटिन्यूस फ्लो के साथ देती रहती हैं। इंतज़ार नहीं करना है कि मसाले को हमें बार बार 2-3 बार पीस के फाइनल आउटपुट अटेन करें। आप सिंपली मटेरियल वहां से डालिए, डालने के बाद छन के आपको फाइनल आउटपुट एक बार में मिलेगा। मोटा माल जो इकट्ठा हो जाता है उसको आप दोबारा करके फिर से फाइनल आउटपुट ले सकते हैं। तो काम किसी भी तरीके से रुकता नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, हमें आप कमेंट्स में और लाइक के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है स्पाइस इंडस्ट्री को लेके, आप स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। साथ में अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके इसकी कोटेशन मंगवाइए। कोटेशन मंगवा के आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर हम आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल करा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए। आशा करता हूँ हमारे ये वीडियोस आपको बहुत हद तक हेल्प करते होंगे। साथ में आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।